मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो नए जिलों के दौरे से वापस लौटे हैं रायपुर। रायपुर के हेलीपैड पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। सीएम ने बताया कि आज दो जिलों का शुभारंभ हुआ है। लोगों में काफी उत्साह था। लोगों की मांग वर्षों से लंबित थी, जो आज पूरी हुई है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नड्डा जी महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं की। स्काई वॉक के बारे में उन्होंने जरूर कहा, अरे चाहते तो 4.25 साल हो गए गिरा चुके होते। रमन सिंह और राजेश मूलत के कमिश्नर खोरी का स्मारक है। दो जिले का शुभारंभ हुआ, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर और शक्ति जिला। इस प्रकार से कुल 33 जिला अब छत्तीसगढ़ में हो गया है। बहुत उत्साह है लोगों में। उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोला। पेट्रोल गैस डीजल इस पे कुछ नहीं, लेकिन स्काई वॉक के बारे में जरूर बोलेगा। इस वक्त स्काई वॉक ढहाना चाहते हैं भूपेश बघेल की सरकार। यदि ढहाना चाहते तो 4.25 साल हो गया, अभी तक ढहा चुके हैं। ये रमन सिंह और राजेश मूणत के कमीशन खोरी की स्मारक, उसको हम लोग नहीं ढहाएंगे। नड्डा जी देखना चाहिए, चिंता मत करें।